एक और बड़ी खबर आ रही है, कॉमनवेल्थ में भारतीय पहलवानों का दबदबा। जी हां, बजरंग साक्षी दीपक ने गोल्ड जीता है, अंशु मलिक ने भी सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है, दिव्या काकरा ने मोहित गरिवाल को ब्रॉन्ज मिला है। रेसलिंग में कुल अब 6 मेडल हो चुके हैं, बता दें भारत को 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। पदक तालिका में 5वां पायदान पहुंच चुका है भारत का। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जो है वो यहां पर बरकरार है। तो रेसलिंग में कुल 6 मेडल जो है वो हासिल कर चुके हैं भारत को, 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। पदक तालिका में 5वें पायदान पर आ चुका है भारत। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों का दबदबा बरकरार है। बजरंग साक्षी दीपक ने गोल्ड जीते, अंशु मलिक ने सिल्वर हासिल किया है, दिव्या काकराना मोहित गरवाल ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत को 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिले हैं। पदक तालिका में 5वें पायदान पर अब भारत आ चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारतीय पहलवानों का जो अच्छा प्रदर्शन है वो लगातार बरकरार है। तो दिव्या काकराना मोहित गरिवाल को ब्रॉन्ज मिला है रेसलिंग में, कुल अब 6 पदक जो है वो मिल चुके हैं भारत को, 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। पदक तालिका में 5वें पायदान पर भारत आ चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितने मैंने प्रैक्टिस करी थी उतना अच्छा मैं दे नहीं पाई हूँ, क्योंकि सर ने मैंने ओबरो डुडू पे ही सबसे ज्यादा वर्क किया था, पर लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस हमने की थी वो नहीं हो पाया। तो यही है कि भगवान अगर कुछ लेता है तो उससे बड़ा देता है, तो आगे की मेहनत करेंगे, क्योंकि आगे एशियन गेम्स भी आ रहे हैं, ओलंपिक क्वालिफाई भी आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी करेंगे। पर लेकिन हमारी मेहनत बहुत थी, और वो लड़की भी ये नहीं कि ऐसी थी, आप सबको तो पता ही है कि अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक है उसमें सिल्वर मेडल है उसका, पर और कहीं ना कहीं हम अनुभव भी मेरे से ज्यादा था, और ये सब चीजें रही, पर आगे हम मेहनत करेंगे और ज्यादा। मैं मेरे प्रदर्शन के लिए कहूँगा कि मैंने तैयारी तो गोल्ड की थी, पर मैं ब्रॉन्ज के साथ ही आ रहा हूँ, अगली बार मैं गोल्ड ही लेके आऊंगा, और मेरा एक ही टारगेट है 2024 ओलंपिक के देश का नाम झंडा और एक राष्ट्रगान जब बजता है मैं वो सुनना चाहता हूँ, और मेरी कंट्री को और मेरे जो भी फैमिली हैं, कोचेज और सबको जो मेरे से जुड़े हैं, पूरे इंडिया को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। काफ़ी खुश हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने, सपोर्ट करने यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा। ये सब मैंने सोचा भी था कि ऐसा होता है, ये होता है, तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो बिल्कुल नहीं लिया कि ये सब है, बस अपना फोकस किया कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, और जो भी मैं अपना गोल टारगेट लेके चला था अचीव करना है वो मैंने अपना किया। देखो जी, उसको तो उस लम्हे को तो मैं कुछ मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकता, वो तो मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा।